गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू नॉफ राइडर। दोस्तों 8:11 हो गए हैं और हम लोग गणपति पुले से ऑलरेडी निकल गए हैं। सामने जो बोर्ड है वहाँ पे लिखा है रत्नागिरी सिटी 11 किलोमीटर, पावस 27 किलोमीटर और रत्नदुर्ग फोर्ट 13 किलोमीटर। तो चलो निकलते हैं यहाँ से और एक एक प्लेस एक्सप्लोर करते करते हम लोग पहुँच जाते हैं मालवण। एक लंबी लिस्ट है जिसमें एक एक प्लेस का नाम लिखा हुआ है जो हमें एक्सप्लोर करना है, लेकिन मुझे डाउट है कि सब प्लेस हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे क्योंकि इतने सारे प्लेस है कि एक क्या 2-3 दिन भी अगर हम लोग यहाँ पे स्पेंड करते हैं तो भी हर जगह को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस एक्सप्लोर करने की। अगर कल का ब्लॉग आपने देखा नहीं है तो कल का ब्लॉग देखिए और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों यहाँ से हमें लेना है राइट टर्न और इस राइट टर्न के बाद लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है रत्नदुर्ग फोर्ट। ये लीजिए दोस्तों आज का हमारा पहला डेस्टिनेशन रत्नदुर्ग फोर्ट। रत्नदुर्ग महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। रत्नागिरी शहर से इसकी दूरी 2 किलोमीटर की है। इस किले को माता भगवती दुर्ग नाम से भी जाना जाता है। किले के प्रवेश द्वार तक एक चौड़ी सड़क जाती है। रत्नदुर्ग किला मुश्किल से 100 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी लंबाई 1300 मीटर और चौड़ाई 1000 मीटर की है। इसमें दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक मजबूत किलेबंदी है। किलेबंदी के लगभग मध्य में मुख्य प्रवेश द्वार है। किले के प्रवेश द्वार पर बाई और भगवान श्री गणेश और दाहिनी और हनुमान जी की मूर्त है। रत्नदुर्ग किला ऊपर से घोड़े की नाल के आकार जैसा दिखता है। यह है देवी भगवती माता का मंदिर जो इस गांव की ग्राम देवता है। इस कारण किले को माँ भगवती दुर्ग नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के सामने ही मराठा सेना के प्रमुख कान्होजी आंग्रे की यह मूर्त है। ये किला 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए यह दृश्य बहुत ही मनोरम दिखता है। तीनों ओर समुद्र होने के बावजूद पीने योग्य पानी का एक कुआं मंदिर के बाई ओर मौजूद है। एक दिलचस्प चीज, इस किले में भुयार या गुप्त सुरंग है जो किले को निकटवर्ती समुद्र से जोड़ती है। इस किले पर कई बुर्ज है जिससे अरब सागर का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। अरब सागर की लहरें किले की दीवारों पर बहुत जोर से टकराती रहती है। समुद्र से आने वाली ठंडी हवा यहाँ हमें आराम का अतिरिक्त एहसास दिलाती है। किले के चारों ओर घूमने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है। इस किले का निर्माण बहमनी के शासनकाल के दौरान किया गया था। उसके बाद इस पर आदिल शाह ने कब्जा कर लिया और आदिल शाह से मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने वर्ष 1670 में किले का प्रभार ले लिया। बाद के समय में इस किले पर करवीर छत्रपति का नियंत्रण था। फिर किला आंग्रे परिवार को सौंप दिया गया। साल 1753 में आंग्रे और पेशवा के बीच हुए युद्ध के दौरान पेशवा ने अंग्रेजों की मदद से इस किले को जीत लिया था, लेकिन दुर्भाग्य से साल 1818 में इस किले पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ऐसा कहा जाता है कि 1857 की लड़ाई से पहले झांसी की रानी ने इस किले का दौरा किया था। दोस्तों तो अभी हम लोग रत्नागिरी सिटी से गुजर रहे हैं। अपना तिरंगा यहाँ पे शान से लहरा रहा है। अभी हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है थीबा पैलेस रत्नागिरी। दोस्तों हम पहुंचे अभी थीबा पैलेस में। मंडे क्लोज, तो याद रखिए ये पैलेस मंडे को क्लोज रहता है। थीबा महल यानी थीबा पैलेस रत्नागिरी के महत्वपूर्ण आकर्षणों में से एक है। इस हेरिटेज पैलेस की दूरी रत्नागिरी बस स्टैंड से सिर्फ 2 किलोमीटर की है। ब्रिटिश काल के दौरान निर्मित इस पैलेस की अपनी एक कहानी है। बर्मा यानी आज के म्यांमार के राजा थीबा को उनकी मृत्यु तक इसी स्थान पर नजरबंद रखा गया था। राजा थीबा बर्मा के कैनबांग वंश के 26 वर्षीय अंतिम राजा थे जिन्होंने बर्मा पर 7 वर्षों तक शासन किया था। उनका सिंहासन पर चढ़ना स्वयं एक राजनीतिक साजिश का परिणाम था जिसके कारण सिंहासन के अन्य दावेदारों की हत्या हुई। जब वह शासक बने तो बर्मा का निचला भाग अंग्रेजों के नियंत्रण में था। नए राजा का इरादा फ्रांसीसियों के साथ मिलकर इस क्षेत्र को वापस हासिल करने का था। इसके कारण तीसरा बर्मी युद्ध हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने यह युद्ध जीत लिया और महल पर धावा बोल दिया। उन्होंने राजा और उनके परिवार जनों को बंदी बना लिया। राजा थीबा को परिवार के साथ भारत लाया गया और पहले मद्रास में, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, निर्वासित किया गया। बाद में रत्नागिरी में उनके रहने के लिए एक महल बनवाया गया। 27 एकड़ में फैले इस महल की कीमत उस समय 1,70,000 रुपए थी। राजा को उनकी मृत्यु तक इसी महल में बंदी बनाकर रखा गया। उनकी 3 बेटियां थी। 2 बेटियों ने स्थानीय लोगों से शादी कर ली जबकि शेष परिवार कुछ साल बाद म्यांमार चला गया। दोस्तों थीबा पैलेस की एंट्री फी 10 रुपीज पर पर्सन है। यहाँ पे फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं है, इसलिए हम लोग अंदर कुछ भी शूटिंग नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितनी हो सके उतनी आपको जानकारी उपलब्ध करा के दे।
खीबा पैलेस एक खूबसूरती से निर्मित 3 मंजिला ढलानदार छतों वाली इमारत है। इसमें बर्मी सागमान से बनी अर्धवृत्ताकार लकड़ी की खिड़कियों में अद्भुत नक्काशी आंख को भाती है। महल में 3 ब्लॉक है। ऊपरी मंजिल पर उभरे हुए गलियारे इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। कमरों में ताजी हवा लाने के लिए केंद्र में एक आंगन बनाया गया है। ऊपरी मंजिल पर आने जाने के लिए बर्मी शैली की द्विभाजित लकड़ी की सीढ़ियां बनाई हैं। पहली मंजिल पर संगमरमर के फर्श वाला एक नृत्य कक्ष है और पुरातत्व संग्रहालय में जो कलाकृतियां रखी हुई है जिनका उपयोग निर्वासित राजा द्वारा किया गया था। भूतल पर प्राचीन मूर्तियां रखी है। ये विशाल उद्यान लेआउट बर्मी उद्यान परंपराओं को दर्शाता है। अफसोस की बात है कि अब इनमें हरियाली नहीं है। जनवरी माह में वार्षिक कला उत्सव के दौरान इस महल को खूबसूरती से सजाया जाता है। शाम 5 बजे यहाँ पैलेस पर्यटकों के लिए बंद हो जाता है। सुनिश्चित करें कि आप जल्दी जाएं। और हाँ, यह भी ध्यान रखें कि सोमवार को यह बंद रहता है। दोस्तों अभी 11 बज रहे हैं और हम लोग रत्नागिरी से निकल के जा रहे हैं टूवर्ड्स पावस। यहाँ से पावस की दूरी है 15 किलोमीटर की और 20 मिनट में हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। पावस में जाके हम लोग विजिट करने वाले हैं स्वामी स्वरूपानंद जी मठ की। हम अभी बीच को पैरेलल चल रहे हैं और काफी सुंदर ऐसा बीच मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने पास समय की कमी है और अभी धूप भी तेज हुआ है तो इस समय में बीच पे जाना उचित नहीं रहेगा। कोशिश करेंगे कि आज शाम कोई तो एक बीच एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि कल भी हम लोगों ने गणपतिपुळे के जो आरे वारे फेमस बीच है उस बीच को हम लोगों ने मिस किया है। उसकी कमी आज दूर करने की कोशिश करेंगे। रोड कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। घाट सेक्शन को पूरा काट के इस पूरे स्लोप को कम कर दिया जा रहा है। कम से कम इधर 10 से 12 फीट की ऊंचाई को कम किया है। आज भले ही हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन आगे चल के ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ से लेना है राइट टर्न। ओफो, ये देखिए पूरा स्लोप है और इसके आगे वो स्लोप था। ये कितना स्टीफ रहेगा। दोस्तों तो हम लोग आ पहुंचे परमहंस स्वामी स्वरूपानंद समाधि मंदिर। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया पार्किंग। रत्नागिरी शहर से 20 किलोमीटर दूर पावस एक मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता वाला गांव है। स्वामी स्वरूपानंद के बहुत लंबे समय तक यहां रहने के कारण यह रत्नागिरी जिले का एक प्रमुख आध्यात्मिक स्थान बना हुआ है। स्वामी स्वरूपानंद वारकरी संप्रदाय के अनुयायी थे। स्वामी जी का वास्तविक नाम रामचंद्र है और उनका जन्म 15 दिसंबर 1903 को पावस में हुआ था। स्वामी जी के घर अनंत निवास को मंदिर के ट्रस्टियों द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित किया जा रहा है। दोस्तों तो ये था पावस तक का सफर और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।